हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के पत्ते के कोफ्ते। इसके लिए हमें चाहिए कद्दू के पत्ते और लहसुन, हरी मिर्च और सरसों का पेस्ट, टमाटर और काजू का पेस्ट, दो बड़े कटे हुए आलू, एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज। सबसे पहले हम कद्दू के पत्ते को अच्छी तरह धुल के साफ करके इसको बारीक काट लेंगे। हम इसे जितना बारीक काटेंगे हमारे कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। इसको हम अब हम इसको एक बार एक आलू घिस लेंगे, इसको हम कोफ्ते में डालेंगे अच्छी तरह से घिस के। इसी तरह हम पूरा आलू घिस लेंगे। अब हमारे कद्दू के पत्ते कट के तैयार है। देखिए इसे कितना बारीक काटा गया है। अब इसमें हम घिसा हुआ आलू मिला लेंगे। एक बड़ा चम्मच चावल का आटा और एक बड़ा चम्मच बेसन। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को और थोड़ा सा अजवाइन, दो चुटकी अजवाइन डालेंगे और हमने जो हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज 3 बड़े चम्मच डालेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। ना हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ढीला इसका पेस्ट चाहिए और ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरह इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हमने इसे सरसों के तेल में बनाया है, आप चाहे तो इसे रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसे हम पकोड़े की तरह डीप फ्राई कर लेंगे इसको। इसे अच्छी तरह हम चारों तरफ से घुमाकर पका लेंगे अच्छी तरह से। ये गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे इसे। इसी तरह हम अच्छे से सभी पकौड़ों को पका लेंगे। हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई होने चाहिए। इसको हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और अच्छे नहीं होंगे। धीमी आंच पर फ्राई करने पर ये अच्छे से पक जाएंगे। इसी तरह सारे पकौड़ों को तल कर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सभी पकौड़े तल के तैयार हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 2 छोटे दालचीनी और 1 तेज़पत्ता तड़के के लिए डालेंगे। इसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच मेथी दाना। इसको चटकने तक अच्छे से भून लें। जब हमारा मेथी दाना गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें हमने जो बारीक कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल देंगे। अब हम प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें लहसुन
हरी मिर्च और सरसों का जो पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसी तरह से चला चला के इसको अच्छे से पका लें। प्याज और लहसुन जितना अच्छे से भुनेंगे हमारी सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, इसको अच्छे से चला लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून लें। मसाले हमारे अच्छे से भुनने चाहिए, जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसको भूनें। अब हमने जो टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। इसे चला के अच्छे से भून लेंगे। कुछ मिनट तक इसे ऐसे धीमी आंच पे चला चला के पका लें। जब मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाए तब इसमें 2 बड़े कटे हुए आलू, इसको डाल दें। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें आलू को डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे चला के पकाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ सेकंड तक इसको ऐसे ही चला के पकने दें। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार आप अपने डाल सकते हैं। हमने पकौड़े में भी थोड़ा सा नमक डाला था तो इसलिए आधा चम्मच ही थोड़ा कम ही डालेंगे ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, ज़्यादा नमक ना हो। कुछ देर पकने के बाद अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल देंगे। देखिए कद्दू के पत्ते के कोफ्ते बनकर रेडी हैं। देखिए 2 मिनट तक इसे पकने दें। पकौड़े डालने के बाद 2 मिनट तक इसे पका लें, उसके बाद हरी धनिया डाल के सर्व करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।